press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरी पकड़ और खास नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। माय थैंक यू सर। आज कई न्यूज है, भारत की भी है, मालदीव्स की भी है, पाकिस्तान में भी हेलीकॉप्टर में लोग घूम रहे हैं और साथ साथ टायर चेंज करवाए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, उस पर भी बात करेंगे। IMF डेलीगेशन भी आया है और इसी तरह की सारी न्यूज जो है। टिकटॉक आप क्या बंद हो रहा है अमेरिका में, इन सब पे आपसे आज समझना चाहेंगे। मैं आज बल्कि आपको कुछ जोक भी सुनाने लगा चाहता हूँ, जोक भी सुनाऊंगा आपको। एक तो जिस एक जोक तो आपने खुद ही बता दिया कि गाड़ी मर्सिडीज के टायर चेंज हो रहे हैं, और दूसरा ये भी खबर है कि मैडम जो है वो डेली बेस पे जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस जा रही है हेलीकॉप्टर के अंदर लाहौर में। और दूसरा इसमें मुसलसल ये बातें बताना चाहूंगा कि जरदारी साहब ने अपनी तनख्वाह जो है, उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी भी डिक्लेयर कर दिया है, और भी कई हैं। और इस वक्त जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और उसके बाद IMF का आया और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है 14 दिन को मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल क्या है, और उसके बाद मसाइल जो भारत और रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से फूर्तियों में है उस पर भी बात करते हैं। चाइना भी एग्रेसिवली इस रीजन के अंदर जो है वो अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजू, बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह माजी के अंदर हुकूमतें करती आई हैं। जब हुकूमत बनती है, जिस तरह मैं मुर्शद पाक की जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने आते ही एक तो भैंसें बेचती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, गाड़ियां बेचती थी, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका मकसद ये था कि हर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, उनको टूरिस्ट वहां जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े कि फिर वो उतरे नहीं, फिर आके किसी ने उतारा उनको हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल उसी तरह आज ये है के जो कैबिनेट है उसको, उसमें कुछ नाम तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें औरंगजेब साहब का नाम बड़ा अच्छा नाम है। मैं बल्कि कल मुझे एक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे नकवी साहब, उनका नाम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और उनका मैंने देखा है एक तो फॉरन एजुकेटेड है, 6 TV चैनल्स के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना पीरियड था लाहौर के अंदर उन्होंने प्रूव किया है he is a good governor, सुर्खी अच्छी थी। मैं प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोर्टफोलियो होता है वो इंटीरियर मिनिस्टर को होता है, क्योंकि पुलिस सारी उसके नीचे होती है। अब देखेंगे वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और उसके बाद औरंगजेब साहब का बड़ा रोल है, हबीब बैंक के वो CEO रहे, चीफ रहे हैं, हेड रहे हैं, JP Morgan के अंदर अमेरिका में काम करके गए, फॉरन एजुकेटेड है। जस्टिस रमदे जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं अच्छा नाम है या बुरा नाम है, उनके भतीजे हैं वो, उनके दामाद भी हैं। अब उनको क्रेडिट जाता है कि पिछली दफा जो फैटफ के अंदर नाम था तो उन्होंने फैटफ से जान छुड़ाई पाकिस्तान की, उन्होंने फैटफ के इंस्पेक्टर 2 जो थे वो लाकर गवर्नमेंट को दिए हायर करने के लिए, ये उनका पाकिस्तान के ऊपर एहसान समझा जाता है, उसीलिए उनको रिवार्ड दिया गया है, उनको लाया गया है। लेकिन अब देखें वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि ये अपनी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके, हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई, ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा IMF वहां पहुंच चुकी है, मैं हैरान हूं ब्रैक किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैक क्या कहते, पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखे हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं।
ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक मजाक कर रहे हो ना, ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद आईएमएफ वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो ना चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वोखला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पर एहतजाज किस तरह करें। लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे। वोट तो उन्होंने सुना है दिए, बड़े टका के दिए हैं, हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए, देखें भी, लेकिन हो भी क्या। मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का नाम अब खान साहब नहीं रहा, मुर्शिद हो चुका है। उनके जो सबसे बड़ा मतवाला जो है, जिसके बारे में पता नहीं ठीक है बात, जिसने असेंबली में बैठ के सुना सिगरेट भी पिया है, वो एक दफा मिलने गया था, वकील है, और उसने बड़ा जज्बाती वकील है, बिल्कुल खान साहब की खासियत है उनके अंदर। खान साहब को जो ज्यादा लोग इखलाक से घिरी हुई बातें करते हैं, खान साहब को बहुत पसंद है, वो उनको अपनी कैबिनेट का वो झूमर बना लेते थे। पिछली दफा उन्होंने एक दफा आधी बोतल लेकर आए थे जेल के अंदर मिलने, तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, पीटीआई वालों ने कहा था ये आधी बोतल पानी की पाकिस्तान के दरियाओं में डालो जाके, ताकि पूरे यार खुदा का नाम इस 21st सेंचुरी के अंदर है। और उमर अय्यूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अब उन्होंने कम कर दिया, इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे, चले जिस तरह इनकी मर्जी है। लेकिन इसमें आगे जो कैबिनेट तो ठीक आई है, छोटी कैबिनेट है, अब खुदा करे कि ये कैबिनेट छोटी ही रहे, वरना पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का साइज 85 कर दिया था, और मुझे जो सबसे बड़ा डर था कि शायद ये 185 ना कर दे। उसके बाद ये कि इस कैबिनेट के अंदर मेरा एक फैमिली मेंबर की है, आजम नजीर तारड़ साहब हैं इसके अंदर, लॉ मिनिस्टर हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं, वेरी एग्रेसिव हैं, वेरी इंटेलिजेंट हैं, वेरी गुड लॉयर हैं, और मुझे ये पता है कि इज नॉट अ करप्ट पर्सन एट ऑल, क्योंकि मैं उनसे पिछली दफा भी वो मिनिस्टर थे तो मुझे उसमें भी इतफाक हुआ, बल्कि मैं हैरान था के बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन इन हिम के ही हैज बिकम मोर हम्बल मैन ऑफ फैक्ट। अब देखें, मेरी दुआ है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर कर पाए, कुछ कर सके पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो करप्शन है, क्योंकि आईएमएफ के पैसे जाते हैं, कुछ तो बड़े लोग खा पी जाते हैं वहां से, कुछ ये ठेके दिए जाते हैं और ठेकेदार सबसे मिल मिला के खा लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आरजू ये कहता हूं, मैंने पाकिस्तान के करप्शन को बड़ा डीपली स्टडी किया है, वहां एक एक कोई भी डिपार्टमेंट अकेला करप्शन नहीं कर सकता, मिलके खाते हैं, दिस इज एन अलायंस। एक ब्यूरोक्रेट होता है, साथ एक ठेकेदार होता है, साथ एक पूरी टीम होती है, वो मिलके खाते हैं। इस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान का मॉडल करप्शन का स्टडी किसी ने करना हो तो पिछली दफा जो हमारे कोर कमांडर लाहौर थे, उनकी पर्सनैलिटी वो चट्ठा साहब थे, उनको स्टडी कर लिया जाए तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। एक उनका ब्यूरोक्रेट था, दो उनका रिश्तेदार था, वो एलडीए का चेयरमैन रहा था, उसके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन थे, और दूसरे वो बंदियाल साहब चीफ जस्टिस, उनके भी रिश्तेदार थे और खुद वो कोर कमांडर थे। ये तीन तो रिश्तेदारियां मैंने बिल्कुल करीब की बताई आपको, लेकिन ये पूरा एक कैंसर की तरह ये पूरा सेटअप फैल चुका है पाकिस्तान में, और इसको कोई अच्छा माहिर डॉक्टर ही इसका ऑपरेशन कर सकता है, छोटा मोटा डॉक्टर, ये जो आपके हकीम फिर रहे हैं, ये जो
जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे इन दोनों ने चर्चा की पाकिस्तान के हालात को लेके। तो अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें जहाँ पे एक तरफ इतनी गरीबी है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, दूसरी ओर जो पाकिस्तान की इलीट क्लास है वो पूरी लग्जरी को एंजॉय कर रही है, तो अगर हम पाकिस्तान के हालात को जब भी देखते हैं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा एक सर्कस है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।